आज हम थोड़ी सी गप्पे लगाने के मूड में हैं, और गप्पे भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे चांद से गप्पे लगाएंगे। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कक्षा 6 की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे के बारे में जानेंगे। इस कविता में इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह ने एक 10-11 साल की लड़की के रूप में, कि एक 10-11 साल की लड़की अगर चांद से गप्पे लगाएगी तो वो किस तरह से बातें करेगी, वो कल्पना की है। तो आइए देखते हैं। गोल है खूब, मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। चांद से कहा जा रहा है कि आप गोल तो हैं बिल्कुल, लेकिन जरा से तिरछे नजर आते हैं। इस कविता में चांद के आकारों के बारे में, जो चांद के बदलते हुए आकार हैं, उनके बारे में बहुत ही मनोरंजक तरीके से प्रस्तुति की गई है। और ये किस वक्त की बात है, जब चांद पूरा गोल नहीं होता है। चांद तो गोल होता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन उसके आसपास के दिनों में वो पूरा गोल नहीं होता है, जरा सा तिरछा नजर आता है ना। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल का मतलब होता है पूरा का पूरा, और आकाश तो आप जानते ही हैं कि हम आसमान को आकाश भी कहते हैं। तारों जड़ा, तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि चांद ने जैसे मानो पूरा का पूरा आकाश वस्त्र की तरह पहन रखा हो, पोशाक की तरह पहन रखा हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम झबला पहना देते हैं, ढीला ढाला सा वस्त्र पहना देते हैं, जिसमें उसका सिर्फ चेहरा नजर आता है, बाकी सारा शरीर उस झबले से ढका रहता है। इसी तरह से चांद का भी सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आप, गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब देखो इसको फिर से देखते हैं। गोल है खूब, पूरे गोल हैं, खूब सारे गोल हैं, लेकिन जरा से तिरछे भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो पूर्णमासी के आसपास के दिनों की बात है, या तो पहले या फिर बाद में, तब चांद पूरा गोल नहीं होता है, धीरे धीरे आप अपना आकार बदलते हुए वह थोड़ा सा तिरछा नजर आने लगता है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, पूरे आसमान को आपने अपने वस्त्र बनाए हुए हैं, और उन वस्त्रों पर तारों जड़ा, तारे टके हुए हैं। जैसे हम लोग वस्त्र को सजाने के लिए उस पर सिप्पी सितारे लगा देते हैं ना, ऐसे ही आकाश के वस्त्र पर तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आप, गोरा चिट्टा गोल मटोल, और चांद का सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा है, और वो भी कैसा, गोरा चिट्टा। गोरा तो रंग का नाम है ना, काला गोरा ये रंगों के नाम है, सांवला। अब चांद का रंग कैसा है, गोरा, और चिट्टा का मतलब होता है सफेद। चांद सफेद नजर आता है ना जब आप देखते हैं तो, और चांद कैसा है, गोलू गोलू है, गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए चारों सिमत, सिमत का मतलब होता है दिशाएं, तो चारों दिशाओं में चांद ने अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। अब लड़की के मन में ये सवाल है, आप लोग तो विज्ञान पढ़ते हैं ना, आपको पता है कि चांद अपना आकार कैसे बदलता है, वह हमें क्यों नहीं दिखाई देता, लेकिन इस लड़की को नहीं पता। यह सोच रही है कि पता नहीं कैसे वो तिरछे नजर आते हैं। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। और फिर वो अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही निकाल लेती है, कहती है, आपने क्या हमें बुद्धू समझा हुआ है, बुद्धू का मतलब समझदार नहीं है क्या, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। अब उस लड़की को लगता है कि जैसे चांद को कोई बीमारी है, और वो बीमारी पता है क्या है, वो बीमारी है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब चांद तो ऐसे ही होता है ना, पहले पूर्णिमा होती है, फिर चांद जो है वो बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, और घटता है तो घटता ही चला जाता है। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरस आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो ये चांद के बारे में लड़की ने कल्पना की है कि वह उससे गप्पे लगा रही है, और चांद से ये बातें कर रही है कि आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं।
तो कैसी लगी आपको कविता? आपको पता है जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देते तो कैसा है? उस दिन को हम क्या कहते हैं? अमावस्या। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अंधेरी रात होती है। और फिर क्या होता है कि चांद धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता चला जाता है। और फिर कब तक बढ़ता है? जब तक कि पूरा गोल होकर पूर्णमासी ना आ जाए, है ना। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से, लड़की क्या कहना चाहती है? क में है चांद तारों से जड़ी चादर ओढ़ कर बैठा है। चादर ओढ़ के नहीं बैठा है। ख में देखो, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। यही तो बोला है ना ऊपर, अपनी पोशाक को फैलाए चारों सिमत से। अब अगला प्रश्न है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। अब देखो यहाँ पर हम क्या चुनाव करेंगे कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, है ना, क्योंकि पूर्णिमा के आसपास लगाई है ना, इसीलिए अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। तो आप इस कविता को एक बार फिर से पढ़कर देखिए, अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।